डिस्ट्रिक्ट, लेट्स कंटिन्यू द ऑप्स रेडियो इंटीग्रेशन। सो हम इसमें कुछ केसेस देख रहे थे। केस नंबर टू है कि प्रेमी ग्रेविडा एक फीमेल है एंड उसका बीटा एसटीजी का लेवल है 2800 इंटरनेशनल यूनिट। गेस्टेशन सैग उसका 13 mm का है एंड योग सैग प्रेजेंट है बट क्राउन रैम लेंथ नहीं दिख रहा है। सो क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? 25 mm होती है गेस्टेशन सैग की फीटर पोल दिखने के लिए। इसलिए हम अगेन वेट करेंगे एंड रिपीट करेंगे यूएसजी को आफ्टर 1 वीक। एंड मीनवाइल हम क्या करेंगे कि बीटा एसजी के लेवल को मॉनिटर करेंगे। तो आफ्टर 48 आवर्स हम रिपीट करेंगे बीटा एसजी लेवल यूपीटी को। देन इंट्रा ऑर्गेन इंट्रा यूटरिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डबल हो जाता है बीटा एसजी लेवल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डबल नहीं होता है। और नॉन वायरेबल फीटस या फिर इंट्रा यूटरिन फीटल डेथ में क्या होता है कि सेम सॉरी डिक्रीज होता है बीटा एसजी का लेवल। सो इससे हम एक गेसिंग लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप की प्रेगनेंसी है, बट स्टिल कंफर्म करने के लिए यूएसजी हमें करना ही होगा 1 वीक आफ्टर, 1 हफ्ते बाद। देन केस 3 क्या है कि एक 6 वीक अमिनोरिया वाली पेशेंट है, उसका गेस्टेशनल सैक है 18 mm का और एम्ब्रियोनिक सैक विजिबल नहीं है, योग सैक एब्सेंट है, देन परवाजाइनल प्रेजेंट है। इसमें क्या करेंगे मैनेजमेंट? अगेन वेट करेंगे 1 हफ्ते तक। और फिर योग सैक देखने के लिए कोई कट ऑफ नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे बाकी चीज़ें देखने के लिए। नाउ इंट्रा यूट्रेन या एक्स्ट्रा यूट्रेन प्रेगनेंसी है ये कैसे डिटेक्ट होता है? तो यूएसजी साइंस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोस्टिक होते हैं वो कुछ साइंस नीचे दिए हैं। तो गेस्टेशनल सैक और साथ में योग सैक अगर प्रेजेंट है और साथ में फीटल पोल प्रेजेंट है एंड कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर फैलोपियन ट्यूब में है तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस्टिक होता है। नाउ सजेस्टिव क्या साइंस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? एक तो होता है एम्प्टी यूट्रस, अगर यूट्रस एम्प्टी है। देन सेकेंड, अगर इंक्रीज वेस्कुलरिटी है ट्यूब में अराउंड द सिस्ट एरिया तो हो सकता है। देन रिंग ऑफ फायर अपियरेंस अगर है तो। एंड फोर्थ, कॉम्प्लेक्स एडनेक्सल मास है अगर तो सजेस्टिव है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नाउ गेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से करते हैं। तो क्लिनिकली फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि यूएसजी बेस्ट होता है यूएसजी करना, ना कि नेगलिस फार्मूला लगाना। ये जो ऊपर क्लिनिकली हमने फार्मूला देखा वो नेगलिस फार्मूला था, तो उसकी जगह यूएसजी किस कंडीशंस में बेस्ट रहता है? एक तो ओसीपी फेलियर के केस में, दूसरा अगर लैक्टेटिंग फीमेल है, थर्ड अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड अननोन है, फोर्थ अगर इरेगुलर साइकिल्स आ रही हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देन फिफ्थ अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डिफरेंट आ रहा है फ्रॉम प्रेडिक्टेड एलएमपी। तो ये सारी कंडीशंस में यूएसजी बेस्ट होगा। नाउ अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं गेस्टेशनल एज को मेजर करने के लिए। सो ये यूएसजी के अंदर ही आते हैं ये सारे पैरामीटर्स। तो क्या क्या पैरामीटर्स है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन रम्प लेंथ बेस्ट होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाई पैराइटल डायमीटर यूज होता है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉम्बिनेशन यूज होता है वेरियस पैरामीटर्स का, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। लेकिन बेस्ट अगर सिंगल पैरामीटर बोला जाए तो फीमेल लेंथ यूज होता है। अब जैसे जितना यूएसजी हम जल्दी करा लेंगे ना उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट प्रेगनेंसी का एस्टिमेशन देगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूएसजी है ना वो बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं कि गेस्टेशनल एज सही होगी उसकी, अगर हम कंपेयर करें अलग अलग ट्राइमेस्टर में जो यूएसजी किए गए हैं और उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले यूएसजी की गेस्टेशनल एज को मानते हैं। तो बेस्ट पैरामीटर जो यूएसजी का होता है वो क्राउन रम्प लेंथ होता है क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज होता है, एंड बेस्ट टाइम जो है यूएसजी करने का वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है क्योंकि सबसे अर्ली वही है। नाउ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या है? पहला तो ट्विंस का केस है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी अगर आती है 2 मेजरमेंट्स के बीच में, अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो
मान लो दो ट्विंस है तो एक की अलग आ रही है गेस्टेशनल एज, दूसरे की अलग आ रही है, तो गेस्टेशनल एज उसी का लेते हैं जो लॉन्गर ट्विन है उसका। देन सब ऑप्टिमली डेट प्रेगनेंसी क्या होता है, अगर कोई यूएचजी 22 वीक्स तक नहीं किया गया तब उसको सब ऑप्टिमली डेट प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम सीरियल यूएचजी करते हैं कंफर्म करने के लिए अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड अननोन है तब। नाउ कैलकुलेशन गेस्टेशन एज का ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल में कैसे करेंगे जिसका अनसर्टेन लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, तो इसमें क्या करते हैं कि ऑसिफिकेशन डिजिटल फीमरल एपिफाइसिस का देखते हैं, तो ये 32 वीक्स में हो जाता है। एंड दूसरा प्रॉक्सिमल टिबियल एंड ह्यूमरस एपिफाइसिस का ऑसिफिकेशन देखते हैं, ये 35 वीक्स तक हो जाता है, तो इससे हम गेस्टेशन एज पता कर सकते हैं। क्राउन रम्प लेंथ यूज़ किया जा सकता है 13 वीक्स प्लस 6 डेज तक, या क्राउन रम्प लेंथ जब तक कि 84 mm हो जाए तब तक ही यूज़ किया जा सकता है वो पैरामीटर को गेस्टेशन एज के लिए। देन क्राउन रम्प लेंथ जब ग्रेटर देन 84 mm हो जाता है ना, तब फिर बाईपैरेटल डायमीटर मेजर यूज़ किया जाना चाहिए गेस्टेशनल एज को मेज़र करने के लिए। स्मॉलेस्ट क्राउन रम्प लेंथ क्या होता है जो कि मेज़र किया जा सकता है, वो 5 mm का होता है। देन क्राउन रम्प लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट मेजरमेंट होता है आउटर आउटर मार्जिन ऑफ सेफेलिक पोल से लेकर रम्प तक। नाउ क्राउन रम्प लेंथ सबसे एक्यूरेट तब मेजर किया जाता है जब 7 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रहता है, उसके बीच में सबसे एक्यूरेट आता है और प्लस माइनस 5 डेज का ही वेरिएशन देता है वो। एंड 9 to 13 वीक्स के केस में ये प्लस माइनस 6 डेज का सॉरी 9 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज में ये वेरिएशन देता है प्लस माइनस 7 डेज का, तो इस कंडीशन में भी मेज़र किया जा सकता है। द गेस्टेशनल एज जो डेज में है वो मेज़र की जा सकती है इस फॉर्मूले से कि क्राउन रम्प लेंथ को हमने mm में लिया प्लस 42 कर दिया, तो उससे गेस्टेशनल एज इन डेज निकल जाएगी। देन बिफोर 7 वीक्स मीन सेक डायमीटर को यूज़ किया जाता है गेस्टेशनल एज के लिए, तो उससे कैसे निकालते हैं गेस्टेशनल एज को, गेस्टेशनल एज इन डेज इज इक्वल टू मीन सेक डायमीटर इन मिलीमीटर प्लस 30 कर देते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मीन सेक डायमीटर 5 mm है तो गेस्टेशनल एज क्या होगी, 5 प्लस 30 हो जाएगी, दैट इज 35 डेज यानी कि 5 वीक्स। स्मॉलेस्ट गेस्टेशन साइज डायमीटर क्या होता है जो कि मेज़र किया जा सकता है, वो 2 to 3 mm का होता है। गेस्टेशन साइज मेज़र करता है लेस एक्यूरेट, जब फीटल पोर्ट दिखने लग जाए ना तो गेस्टेशन साइज का मेज़रमेंट कम एक्यूरेट हो जाता है। देन रोल ऑफ फर्स्ट टर्म यूएसजी क्या होता है मल्टी फीटल प्रेगनेंसी में, सो मल्टी फीटल प्रेगनेंसी में हम नंबर ऑफ फीटर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, गेस्टेशन एज को डिटरमिन कर सकते हैं एंड कोरियोनिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। अब याद करने वाली बात है ट्विन प्रेगनेंसी में क्या चीज़ कि ट्विन प्रेगनेंसी या तो डाइजाइगोटिक हो सकती है या तो मोनोजाइगोटिक हो सकती है। तो डाइजाइगोटिक मतलब कि वो पहले ही डिवाइड हो गया है जाइगोट, दो जाइगोट्स बने हैं एक्चुअली, दो ओवम फर्टिलाइज हुए हैं दो स्पर्म से अलग अलग, तो इसमें हमेशा डाइकोरियोनिक होगा जो भी फीटस है, और इसमें सेम सेक्स हो सकता है या डिफरेंट सेक्स हो सकता है क्योंकि पूरा ही अलग हो गया वो। देन मोनोजाइगोटिक में क्या है कि दो स्पर्म्स है लेकिन एक ही ओवम फर्टिलाइज हुआ है, तो इसमें क्या होगा डाइकोरियोनिक भी हो सकता है और मोनोकोरियोनिक भी हो सकता है कि टाइम ऑफ डिवीजन पे वो डिपेंड करता है किस टाइम पे डिवाइड हुआ है जाइगोट, और इसमें हमेशा ही सेम सेक्स रहेगा क्योंकि स्पर्म तो अलग अलग है लेकिन ओवम सेम है। सो ऑप्स रेडियो इंटीग्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।